दो खास मेहमान गौरांग शाह जो कि आपको फंडामेंटल व्यू दे रहे हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको लेकर, और टेक्निकल व्यू हम मानस जायसवाल से ले रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए टेक्निकली और फंडामेंटली पर्टिकुलर शेयर्स में करना क्या है। इस बीच टी के कॉल हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से। कॉल सर नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मेरा सवाल है, मेरे पास डिशमैन फार्मा के 500 शेयर्स हैं जो मैंने 4 अक्टूबर को 260 रुपए के हिसाब से लिए हैं। अच्छा ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं इसको ऐड करूँ और या मैं इसको एग्जिट हो जाऊँ। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। 260 रुपए के इन्होंने 2 महीने पहले शेयर लिए थे गौरांग डिशमैन फार्मा के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फार्मा के अंदर एक टर्निंग हो रही है, चाहे वो वैल्यूएशन को लेकर हो रही हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो रही हो, चाहे पॉलिसी को लेकर हो रही हो, या उनके अपने प्राइसिंग को लेकर हो रही हो, इसमें कोई दो राय नहीं। डिशमैन फार्मा में उससे अलग नहीं होगा। पर्टिकुलरली डिशमैन फार्मा पे अगर आपके कवरेज या फिर आप इसके बारे में थोड़ा भी बता पाएँ कि अब ये करें क्या, क्योंकि 260 के करीब 220 का रेट थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो चुका है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर डिम्पी। एक तो 140-145 के आसपास हमने खुद ने यहाँ पर ख़रीदारी की कवायद की थी कुछ 6-8 महीने पहले या साल भर पहले, और जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो था करीबन 210 या 230 के आसपास का। और इसने एक शानदार परफॉर्मेंस दिखा करके जो जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया है उसी स्तर के आसपास मेरे ख्याल से एक ऊपरी स्तर बनाया है। अब तकलीफ यह है कि इनकी ख़रीदारी ऊपरी स्तर पर है और वहाँ से स्टॉक करीबन 40 रुपये नीचे यानी कि 220 के आसपास है। अब बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कंपनियों को, तो फ़र्ज़ बनता है हमारा कि लक्ष्य हासिल हो गए हैं तो पहले तो अगर आपके पास मुनाफा होता तो आप मुनाफा बांध लेने की मैं कवायद करता, लेकिन निवेश आपका ऊपरी स्तर पर है और मौजूदा स्तर 220 के आसपास। बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो औरबिंदो फार्मा में जाओ, जिसको लेकर के बुरी खबरें आई हैं, कुछ कचहरी के कोर्ट कचहरी के यूएस के मामले आज सामने आए हैं। इसके पहले 2 या 3 दिन पहले कुछ ब्लास्ट हुआ था इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के, जिसके कारण 2 जानों को हताहत हुआ था। स्टॉक करेक्ट हुआ है, आज भी करीबन 3-4% नीचे है, तो औरबिंदो फार्मा हमें अच्छा लग रहा है लंबी अवधि के नज़र से, या फिर सिप्ला आप चुन सकते हैं। इसके अलावा बायोकॉन और सिंजन 2 और विकल्प है, लेकिन एक ट्रेंड ऊपर के तरफ है तो मैं मानस के ऊपर छोड़ूंगा तकनीकी रूप पर इस पर कवायद करने के लिए कि या ये जोड़ सकते हैं अगर गुंजाइश ऊपर के तरफ की है तो। जी चलो, तो विकल्प आपको बताए गए हैं फार्मा स्पेस में और डिशमैन को लेकर रणनीति भी मानस से भी हम पूछेंगे, लेकिन इस बीच एक और दर्शक है उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। जो अगला नाम है वो है रिधिमा का, जमशेदपुर से मौजूद है हमारे साथ। रिधिमा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा 2 क्वेश्चन है गौरंग सर से। एक तो ये कि सिंटेक्स इंडस्ट्री 82 रुपीज पे 250 शेयर्स है, और दूसरा ये कि कोई स्मॉल कैप ऐसा शेयर बताइए जो 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से मैं खरीद सकूँ। चलिए, स्मॉल कैप क्यों चुना रिधिमा जी? हाँ जी, स्मॉल कैप ही क्यों चुना जी? स्मॉल कैप को ही आपने क्यों चुना रिधिमा जी, कोई लार्ज कैप या मिड कैप क्यों? हाँ जी, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट थोड़ा कम है इसलिए स्मॉल कैप को चुना। चलिए गौरांग, एक सवाल तो इनका है सिंटेक्स पे 82 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 250 शेयर हैं, दूसरा स्मॉल कैप का एक शेयर जानना चाहती हैं। क्या ऐसा नहीं कर सकती कि मिड कैप या लार्ज कैप में छोटी पोजीशन ले लें, या स्मॉल कैप का ही शेयर ज्यादा बेहतर रहेगा? शुक्रिया सुमित, और आपको भी सुप्रभात और रिधिमा जी को भी सुप्रभात हमारी तरफ से। चिंतित ना होइए आप, 82 ऊपर के खरीद है आपकी सिंटेक्स की और मौजूदा करीबन 75 के आसपास। पहले तो अगर निवेश लायक पूंजी है तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, या फिर 70 के आसपास जाता है तो जो क्वांटिटी आपके पास रिधिमा जी उस पर आप आधी क्वांटिटी एवरेज करें, मैं ये सलाह दूंगा। हमारी ख़रीदारी की राय अब भी बरकरार है और 1.5 साल के नज़रिए से हमें लग रहा है कि 125-130 का लक्ष्य आपको मिल सकता है। और इस कंपनी को लेकर के मैनेजमेंट ने भी कुछ टिप्पणियाँ दी थी कि अपने जो भिन्न विभिन्न कारोबार है उसमें से कुछ कारोबार को अलग करके अलग रूप में एक कंपनी को लिस्ट करेंगे, जिससे वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी खड़ी होती है, तो आप होल्ड करें सिंटेक्स को। दूसरा सवाल, स्मॉल कैप में आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास पूंजी कम है तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, आप दिग्गजों में खरीदारी कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, छोटी क्वांटिटी ही आप खरीदें। स्मॉल कैप में अनफॉर्चुनेटली कोई विशेष कवरेज नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन
कुछ कंपनियों को ऊपर जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, अशोक लेलैंड है, जीसीबी है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जी बिजनेस की समूह की कंपनी डिश टीवी जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है डायरेक्ट टू होम सेगमेंट में, और ऑफ कोर्स जो एक्विजिशन की बात चल रही है और बात हुई है उसके आधार पर ये और भी ऊपर जा सकता है, और सरकार के तरफ से भी जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी तीव्र गति से ऊपर जा रहा है। दिग्गजों में अगर आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो निजी बैंकों में पसंदगी होगी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और मझौली बैंक में सरकारी अगर आपको निवेश करना है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसके साथ दिग्गज सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी हमारी खरीदारी की राय है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर पूंजी छोटी है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान दें कि आप अपनी पूंजी को कैसे बढ़ा सकते हैं और आपका निवेश जो है वो आपको कैसे मुनाफा दे सकता है लंबी अवधि के नज़रिए से। ठीक है, इस बीच आशीष हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से। आशीष नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने कॉल इंडिया 500 से 292 पे बाय किया है ट्रेडिंग पर्पज से। ठीक है, क्या लग रहा है? ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं। एक तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से माना से इन्होंने बाय किया है, 292 की है, अभी चार रुपये नीचे है। एक तो स्टॉप लॉस इनको बता दीजिए और इमीडिएट टारगेट के हिसाब से ये बता दीजिए टारगेट कहाँ रखें, और एक डिशमैन पे भी अपना एक टेक्निकल व्यू दे दीजिए आप, क्योंकि मिस्टर कोल का सवाल था। अब ये डिशमैन में क्या करें, एवरेज करें या फिर अभी रुक जाएं? इनकी खरीद 260 की थी। देखिए, अगर कोल इंडिया की बात करिए तो पॉइंट ये है कि जो 9th नवंबर को लोज बने थे स्टॉक के 289 के, स्टॉक ने वो लेवल्स ब्रेक किए हैं और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत ही निगेटिव संकेत है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि 275-276 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो मेरी राय में तो अगर ये बने रहना चाहते तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 287 का, अगर 287 के लेवल्स ब्रेक हो तो स्टॉक से बिल्कुल निकल जाए। अपसाइड की जहाँ तक बात है, मैं नहीं समझता कि अपसाइड इनको 295 के पहले देखने को मिलेगा। 295 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है और जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे कोई बड़ा अपमूव शायद देखने को नहीं मिलेगा। रही बात डिशमैन फार्मा की, देखिए डिशमैन फार्मा लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन है, और पिछले दिनों जो हमने करीब एक दो मंथ में जो एक करेक्शन देखा 260 के लेवल से, मैं समझता हूँ कि ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक में बहुत सपोर्ट है 200 और 210 के आसपास, 195 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो मैं समझता हूँ कि 195 के स्टॉप लॉस रखे एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल अगर हम अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि 260 के लेवल्स आने वाले टाइम में ब्रेक होंगे और स्टॉक 285-290 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नजरिया लंबा रखे, यहाँ पर एवरेज करें और 190 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे। जी घनश्याम से बातचीत कर लेते हैं, ग्वालियर से मौजूद हैं। घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार घनश्याम जी, क्या सवाल है पूछिए। मेरे पास में दिसंबर फ्यूचर है यस बैंक का, 1192 रुपए का। ओके, आप कैरी फॉरवर्ड करने की पोजीशन में हैं, इफ इन केस आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला जाए तो? हाँ कर लेंगे सर। चलिए गौरांग, वैसे तो ये सवाल फ्यूचर को लेकर है लेकिन फिर भी यस बैंक पर आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि एक से दो महीने से ज़्यादा ये होल्ड नहीं कर सकते इसको। 1192-1193 पे खरीदारी है फ्यूचर का एक लॉट की, 1182 स्पॉट में अभी मौजूदा स्तर है, आप क्या राय रखते हैं यस बैंक को लेकर? वेल, बुनियादी तौर पर तो सुमित हमारी खरीदारी की राय बरकरार है, लेकिन ये लंबी अवधि के नज़रिए से है तो जाहिर है हम पहले तो इनको राय देंगे कि अपना जो फ्यूचर्स में पोजीशन है उसको अगर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये बहुत ही उचित और लाभदायक होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य यस बैंक के ऊपर करीबन 1350-1400 का है, ये साल डेढ़ साल की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, बजट को लेकर के गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं और बाज़ार में सुनने आ रहा है कि वित्त मंत्री साहब श्री अरुण जेटली ऐसा बजट लेकर के आएंगे जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, विकासशील हो, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला बजट हो, और ख़ास करके जो विदेशी निवेशक है FDI के रूप में या FII के रूप में, वो लंबी अवधि के नज़रिए से भारत देश में मुद्रा लेकर के आए और यहाँ पर निवेश करें तो काफ़ी अच्छा सुधार आप देख सकते हैं विकास के आधार पर और महंगाई दर नीचे आने पर और ब्याज दरें नीचे आने के पश्चात की मैं बात कर रहा हूँ। छोटी अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, लेकिन ये परिवर्तन आप करते हैं और अगर कैश मार्केट में डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं आप अपना निवेश तो बहुत ही उचित होगा। ठीक है।